सब क्या मंगवाऊँ आपके लिए? चाय, शरबत, क्या लेंगे आप? हाँ, नहीं नहीं, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। बस रानिया से कुछ काम था इसलिए हम आए तुमसे मिलने। रानिया से? आप 2 मिनट पहले आते ना तो आपकी रानिया से मुलाकात हो जाती। ओ? वो दानिश अभी तो लेकर निकला है, बस 2 मिनट पहले रानिया को, साजिदा को डॉक्टर को दिखाना था ना। हाँ, बहुत बीमार हो रही थी वो, तो उसको शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके गए। बस दुआ करो अल्लाह शिफा दे। कोई पैगाम हो तो हमें बता दो, हम दे देंगे उसको। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए उन दोनों को छोड़कर? किसको कहाँ छोड़ गए? वो तो अपने कमरे। अरे भाई, वो साजिदा को डॉक्टर को दिखाना था और वो रानिया की ड्रिप भी तो लगनी थी। हाँ, वो ड्रिप लगनी थी ना, तो वो लग गई होगी अब तक, है ना? है ना? हाँ, लग गई है। वो मैं वॉलेट भूल गया था, लेने आया। कैसा बेवकूफ लड़का है ये। तुम क्या जरूरत थी उन दोनों को अकेला छोड़ने की तुम्हें? हैं भाई, साजिदा को तो होश ही नहीं है, गुमसुम रहती है वो। रानिया बेचारी परेशान हो जाएगी। कहीं भागे जा रहे थे पैसे, मुझे कर लेते कॉल, मैं ले आती पैसे वहाँ पे। अरे तुम मेरी चादर लेकर आओ, चलो चादर लेकर आओ, मैं अभी जाती हूँ अपनी बच्ची को देखने के लिए। अब मुझे खुद देख लूँ, जब तक चैन नहीं मिलेगा। आपको कोई पैगाम देना हो तो उसको दे दे। तुम अपने मेहमानों की खातिर मुदारात करो, मैं अभी आती हूँ। नहीं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस हम फिर आ जाएंगे। नहीं नहीं, इतने चक्कर काटने की क्या ज़रूरत है तुम लोगों को। अब जो भी पैगाम है दानिश को दे दो, वो पहुंचा देगा दानिया तक। जी, वो मेरे ख्याल में मैं रानिया को खुद ही बताऊंगा। अच्छा अच्छा, खुदा हाफ़िज़। आइए, आओ ना। तो मुझे अम्मा फिर से आ जाएंगे लोग, क्या करेंगे अब? क्या बात हुई है, कोई मुझे भी तो बताए। मुझे भी तो कोई बताए, क्या बताऊं मैं तुम्हें? क्या जरूरत क्या थी इतनी जल्दी आने की तुम्हें? हद होती है अम्मा, मेरी जान हलक में आ गई थी, अल्लाह की कसम निकलने वाली थी। इतनी मुश्किल से बात संभाली मैंने। मेरा गधा है गधा, बिल्कुल बेवकूफ इंसान, समझ में नहीं आती कोई बात। अब ये सोचो निहाल भाई को क्या बात करनी है उससे, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है।